जय श्री कृष्णा बिवन, मैं आज जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये वीडियो थोड़ी अलग है। अलग इसलिए, वैसे मैं इस पर बनाना नहीं चाहता था, लेकिन ये पूरे देश और समाज की बात है। क्योंकि ये जो वीडियो है ये अभी 2-3 दिन से जो एक न्यूज़ चल रही है, इसमें एक आलोक मौर्य और एक PCS अधिकारी, उनकी वाइफ जो कि ज्योति मौर्य की है, तो इसमें होता यह है कि एक लड़का लड़की मिलते हैं 2009 में। और 2009 में वो लड़का जो है कि एक सफाई कर्मचारी यानी सरकारी नौकरी उसकी लग जाती है। अब उसमें जो है कि उस लड़का लड़की की शादी जो है हो जाती है 2010 में। अब लड़की शादी 2010 में होने के बाद में बोलती है उसके हस्बैंड से कि मुझे जो है कि जॉब करनी है। वैसे उनकी शादी को काफ़ी अच्छी हुई थी, घरवालों की मर्जी से अरेंजमेंट हुई थी, लेकिन वो शादी से पहले बात कर क्या करते थे। अब वो लड़की उस लड़के से बोलती है, नहीं आलोक मौर्य से, कि मुझे जो है कि पढ़ाई करनी है, मेरी पढ़ाई में काफ़ी रुचि है। तो यह बात सुनकर उसका जो हस्बैंड है यानी कि आलोक मौर्य का भी खुश हुआ। तो उसने बेचारे ने काफ़ी मेहनत की और उसने ये भी बताया उसमें जो कि उसने पैसा लोगों से उधार लिया और मतलब सफाई करके और नौकरी भी की और लोगों से उधार पैसा लिया। तो उसको जो है कि 2016 में अच्छी रैंक से वो पास हो गई जो ज्योति मौर्य जी, और वो जो है कि PCS अधिकारी बन गए। अब इसमें ये कहा जा रहा था कि उनकी दो जुड़वा लड़की भी हुई हैं, लेकिन जैसे ही वो PCS अधिकारी बनी तो उनके टेबल बदल गए और उन्होंने उनको तलाक देने का निर्णय कर लिया। अब तलाक देने का निर्णय कर लिया तो उसका जो आलोक है, जो आलोक मौर्य उसकी पत्नी, वो काफ़ी दुखी हैं, वो सबसे शिकायत करते घूम रहे हैं और काफ़ी रो भी रहे हैं। तो मैं इसमें बस मेरा मानना यही है कि ये बहुत गलत हुआ है उनके साथ में, उनको न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि अगर इस घटना को कोई व्यक्ति सुनेगा तो वो भी अगर अपनी पत्नी को या जिसको भी पढ़ाना चाह रहा होगा तो उसके विचार में कहीं ना कहीं ये रहेगा कि अगर मैं जो है कि ये काम जो कर रहा हूँ ये कहीं मेरी पत्नी ने ऐसा कर दी। तो ये बहुत ही नकारात्मक विचार है, हमें इस विचार से दूर रहना, इसमें न्याय मिलना चाहिए। और इसमें ऐसा न्याय मिलना चाहिए ताकि या तो वो दोनों साथ रहें या फिर ऐसा हो कि मतलब जो है कि समाज पर गलत प्रभाव ना पड़े। ये सब लोगों को बहुत बड़ा झटका है जो, तो इसलिए प्रशासन को इसमें ऐसा निर्णय करना चाहिए ताकि उनको उसको न्याय भी मिल जाए आलोक मौर्य को, और जनता के लिए नेगेटिव या कुछ नकारात्मक विचार नहीं जाए। बस मैं इसमें यही कहना चाहता हूँ, उसको न्याय मिलना चाहिए और कुछ ऐसा प्रशासन को निर्णय करना चाहिए ताकि समाज देश के लिए एक नकारात्मक विचार नहीं जाए। इसका मतलब है कि लाखों हज़ारों स्त्रियों के लिए बहुत बड़ा एक नुकसानदायक रहेगा अगर ये जो है कि इसमें न्याय नहीं मिलता उसको, ताकि फिर हर व्यक्ति सोचेगा ये गलत है या सही है, मैं इसको करूँ ना करूँ, तो उसके मन में एक सवाल रहेगा। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई ताकि लोगों को जो कि उसको यानी आलोक मौर्य को सही डिसीजन मिल सके, ताकि लोगों में ये गलत डिसीजन नहीं जाए, यानी कि सभ्य समाज के लिए गलत सिद्ध ना हो। बस धन्यवाद।